नमस्कार स्टूडेंट मैं डॉक्टर मुकेश चंद्र और आज हम इस टॉपिक का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक है इसमें बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे किसी भी रिजिड बॉडी का मोशन और उस मोशन के कोरस्पॉन्डिंग उस पर सेंट्रोमास जो लगेगा वो कितना होगा या उसके मोशन पे कौन कौन से फोर्सेज इस पर इफेक्ट करेंगे उनकी एक्सेलरेशन क्या होगी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोस्टी क्या होगी नाउ सेंट्रोमास व्हेन वी प्रोजेक्टाइल ए रिजिड बॉडी द मोशन ऑफ बॉडी लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड कैसे क्योंकि जैसे ही हम किसी भी रिजिड बॉडी को प्रोजेक्टाइल करते प्रोजेक्टाइल करने का मतलब एक्चुअल में होता फेंकना किसी भी डायरेक्शन में तो वहाँ पे हमारे पास जो ट्रेजेक्ट्री बनती है वो पैराबोलिक नेचर की बनती है और पैराबोलिक नेचर के साथ साथ उसका अपना रोटेशन मोशन भी होता है किसके साथ सेंट्रो मास के साथ नाउ हाउ टू फाइंड द सेंट्रो मास ऑफ ए पार्टिकल सिस्टम जब भी मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल मान लिया हमने टोटल मास एम कंसीडर कर लिया जो कि कांस्टेंट है सिमिलर केस डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सिस्टम इन ट्रम द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रो मास ऑफ सिस्टम वी कैन आल्सो डिस्क्राइब द मोमेंटा ऑफ सिस्टम एंड न्यूटन सेकेंड ला फॉर द सिस्टम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टू पार्टिकल सिस्टम का टू पार्टिकल सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे पास जो हमने टोटल मास कंसीडर किया है वो मास जो है एक्चुअल में क्या है एक बॉडी के लिए हमने एम वन मास कंसीडर कर लिया दूसरी बॉडी के लिए हमने एम टू मास कंसीडर कर लिया ये किसी भी स्ट्रिंग कह लीजिए या फिर कोई भी थिन वायर कह लीजिए या थिन रोड कह लीजिए उसके कोरोस्पॉिंग बाउंडेड हैं जिसकी पोजिशन हमने ए पोजिशन और बी पोजिशन से डिस्कस किया मास का जो हमने कंसीडर किया है एम टू इज इक्वल टू टवाइस ऑफ एम वन है केस इफ अगर हम इस बॉडी को मूव करते हैं तो मूव करने के कोरोस्पॉिंग हमारे पास जो मोशन डिस्क्राइब होता है वो ये इस डायग्राम में हमें दिखा दिखाया गया है कि जिस पॉइंट हमने रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लिया इसको आप ओरिजिन भी कह सकते हो या इसको सेंटर ऑफ मास जहाँ पे कंसंट्रेट होता है दोनों बॉडीज का वो भी कह सकते हो तो बॉडीज का जो मोशन है इस फॉर्मेशन से मूव करेगा एक्चुअल में जो सी पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वो आपका मास होता है नाउ अगर इसको हम कार्टिजियन कोऑर्डिनेट के कोरोस्पॉ डिस्कस करते हैं तो उ, उस कंडीशन पे आपके पास हमने कंसीडर का, कर लिया दो एक्सीज हैं एक एक्सीज हमने एक्स वन कर ली दूसरी एक्सीज हमने जो है एक्स टू कर ली है तो नाउ एम वन जो बॉडी है उसके लिए हमने आर वन पोजिशन वैक्टर कॉन्सिडर कर लिया एम टू बॉडी के लिए आर टू पोजिशन वैक्टर कॉन्सिडर कर लिया सी हमने कोई भी रेफरेंस पॉइंट कह लीजिए सेंट्रो मास का जो पॉइंट कह लीजिए वो कॉन्सिडर कर लिया जिसका पोजिशन वैक्टर है आपके पास आर सी एम आर सी एम का मतलब पोजिशन वैक्टर जिसका नाम दे दिया हमने आर और ये सेंट्रो मास को ज्वाइन करता है ओरिजिन से तो इसको हमने कंसिडर कंसिडर कर लिया इसका नाम नेमिंग दे दी हमने आर सी एम ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं या फिर जर्नल केस कह सकते हैं सिमिलर केस सेकंड केस में भी इसी में डायग्राम में हमने दिखा दिया कि इन केस वाई के, के कोरोस्पॉडिंग हम डिस्कस करेंगे तो ये पीछे जो डायग्राम में दिखाया गया है ये वाला पॉइंट ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका डिस्कसन है नाउ इन केस अगर हम एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास का डिस्कस करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास एक्स सी एम जो होगा एक्स सी एम का मतलब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो सेंटर ऑफ मास है आपके पास दैट इज एम ये पहले वाली इक्वेशन जो लिखी है एम एक्स वन प्लस एम एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस में एम टू सिमिलर केस इन केस अगर हम वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्कस करते हैं तो ये आपको इक्वेशन नंबर तीन हमने डिस्कस इन केस अगर हम जर्नल केसेस का कंसीडर करते हैं तो हमने इक्वेशन नंबर वन जो आपको दिखाई दैट इज एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस में एम टू नाउ इनकेस अगर हमने वेलोसिटी का डिस्कस करना है या फिर एक्सेलरेशन का डिस्कस करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो हम जो इक्वेशन नंबर थ्री हमने डिस्कस की है आर सी एम का पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास निकल के आएगी वेलोसिटी और सेकंड टाइम अगर हम डेरिवेटिव uh, uh, लेंगे तो हमारे पास निकल के आएगी उसकी एक्सलरेशन जो मैंने इक्वेशन नंबर फोर एंड इक्वेशन नंबर फाइव से आपको डिनोट की है नाउ इन केस अगर आपके पास एक्सेलरेशन को अगर आपने फाइंड आउट करना है कि ये जीरो हो सेंट्रो मास के कोरस्पॉन्डिंग तो उस कंडीशन में आपके पास जो यहाँ पे फोर्स का डिस्कशन है ये फोर्स जो है न्यूटन ला के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होना चाहिए या यूं कह लीजिए कि फोर्स सेकेंड बॉडी का और फर्स्ट uh, बॉडी का जो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट आपके पास होना चाहिए नाउ इन केस अगर इन बॉडीज़ के ऊपर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई हो एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई होने का मतलब इंटरनल फोर्स के साथ साथ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो इसका मतलब जो आपके पास पहली बॉडी का फोर्स है और दूसरी बॉडी का फोर्स है उन दोनों फोर्सेज में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स इंट्रोड्यूस होगा जिसको हमने नाम दे दिया से एफ वन एक्सटर्नल एंड एफ टू एक्सटर्नल और जो बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स लगा है उस फोर्स का नाम हमने दे दिया दैट इज समेशन ऑफ एफ वन प्लस में समेशन ऑफ एफ टू ना पीछे हमने डिस्कस किया था कि जो फोर्स है आपके पास वो आपके पास इक्वल एंड अपोजिट है उस एक्सलरेशन को जब हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास के कोरस्पॉन्डिंग तो आपके पास जो एक्चुअल में बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा ओनली एफ एक्सटर्नल फोर्स और इसका मतलब यूं भी कह सकते हैं जो आपके पास एफ एक्सटर्नल फोर्स है वो फोर्स दोनों फोर्सेस का सम है जो पहली बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स है और जो दूसरी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स है उन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर हमने कंसीडर कर लिया से एफ एक्सटर्नल के बराबर तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन थी पहली बॉडी के कोरस्पॉन्डिंग एम वन ए वन जो आपका फोर्स है न्यूटन ला सेकेंड ला के अकॉर्डिंग पहली बॉडी का प्लस में सेकेंड बॉडी का न्यूटन ला के अकॉर्डिंग फोर्स है दैट इज एम टू ए टू वो किसके बराबर हो जाएगा आपके टोटल एक्सटर्नल फोर्स के वो इक्वल हो जाएगा नाउ इन केस ये तो हमने दो पार्टिकल के लिए डिस्कस किया था इन केस अगर आपके पास पार्टिकल जो है दो से भी ज़्यादा हो तो उस केस में हमारे पास जो हम कंसीडर कर लेंगे उनके मासिस को डिफरेंट डिफरेंट से एम वन एम टू एम थ्री एम टू मान लिया हमारे पास एन पार्टिकल है तो हम एम एन तक उनका मास कंसिडर करें तो टोटल मास हमारे पास कंसीडर किसके बराबर हो जाएगा से टोटल मास हमने कंसीडर कर लिए एम सिमिलर केस उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग हम उनकी वेलोसिटीज को कंसीडर कर लेंगे एंड एक्सेलरेशन को हम कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन थी वो एक्सप्रेशन एक्सटेंड हो जाएगी किस फॉर्मेशन से जो हमने आर निकाला था एम वन आर वन प्लस में एम टू आर टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस में एम टू ये एफ टू एन टाइम्स सीधे सीधे अर्थों में कह सकते हैं कि आपके पास एक्सटेंड हो जाएगी और हमारे पास जो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी जो एक्सप्रेशन मैंने इक्वेशन नंबर इलेवन में आपको शो की है नाउ

फॉलो करना है तो वो हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्टीन और इक्वेशन नंबर फोर्टीन आपको मैंने लिखी हुई आपको शो की है दैट इज वी सी एम इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एम ऑफ समी एन सिमिलर केस इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी को ट करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी तो नाउ टोटल मास मास से से अगर हम इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देते टोटल तो फोर्स तो अब हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन uh, है तो इंडिविजुअल पार्टिकल का फोर्स होगा तो टोटल जो फोर्स आपके पास निकल के आ जाएगा वो सभी फोर्स का सम के बराबर निकल के वो आ जाएगा नाउ एक्चुअल में हमारे पास जो डिस्कस होगा मास में के तो आपके पास निकल के आ जाएगी इक्वेशन नंबर सिक्सटीन जिसको हमने कह दिया है एफ एक्सटर्नल फोर्स नाउ न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग तो हमारे पास जो निकल के आ इक्वेशन दैट इज जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज आर सी एम इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एम एम एन सिमिलर केस एक्सेलरेशन जो निकल के आती है डेट इज दैट इज वन डिवाइडेड बाई एम कैपिटल एम है ये जिसको हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था जो आपका टोटल मास था मल्टीप्लाइड uh, बाई आपके पास जो निकल के आएगा जो उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए या पर्टिकुलर सिस्टम कह सकते हैं या पर्टिकुलर पार्टिकल कह सकते हैं या ओवरऑल पार्टिकल या ओवरऑल बॉडी भी कह सकते हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक्सेलरेशन डिस्कस करते हैं इज़ जो आपको इक्वेशन हमने शो की है टू इक्वेशन इससे हमें एक जो कंक्लूजन है हमारे एक्चुअल में ज ओवरऑल ट्रांसलेशन मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल कैन बी एनालाइज यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ As if mass were concentrated at the center of mass and total external force were applied at that point. These are the journal result that apply equally to a solid object. Since only the force are external, then net external force equal to the total mass of the system multiplied by the acceleration of the center of mass. The center of mass of a system of particles of combined mass m moves like an equivalent particle of mass m would move under the influence of the net external force on the system. Thank you, student.